Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. Our today's chapter is Ahifane, a chapter of Dravya Guna, BAMS, Ayurveda. And the topics we'll be discussing are its botanical name, family name, classification, morphology, variety, habitat, useful parts, bioconstituents, important formulations, Rasapanchak, dose, its indications and its therapeutic actions. आज की हमारी टॉपिक है अहिफेन। अहिफेन को जो क्लासिफिकेशन है वो है उपविषवर्ग। इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, फैमिली नेम है पेपेवरेसी, हिंदी नेम है अफीम पोस्टा खसखस, इंग्लिश में भी कॉल्ड इट एज ओपियम, मंगोली में इट इज कॉल्ड एज पोस्तोधेरी, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज अफू, इन संस्कृत अहिफेनक, नागफेन, फानीफेन, अफूक। अब आते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी। ये एक एनुअल हर्ब है जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 feet होती है। स्टेम एंड लीव्स आर कवर्ड विथ स्मॉल एंड सॉफ्ट हेयर्स, नॉट हैविंग और हैविंग लेस ब्रांच। इसकी जो स्टेम्स होती हैं उस पर इतनी ब्रांच होती नहीं है। लीव्स आर लोब्ड एंड क्लैस्प एट द बेस ऑफ स्टेम। फ्लावर्स 4 white mauve और रेड पेटल्स विद द साइज ऑफ मोर देन 120 millimeter इन डायामीटर। बहुत ही बड़ा फूल होता है इसका और इसके जो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, जैसे आप इमेजेस में देख रहे होंगे, जैसे वाइट कलर, मॉव इज समथिंग वायलेट, बैंगनी कलर हम बोल सकते हैं, रक्तवर्ण रेड कलर। और जो फ्रूट्स होते हैं वो अनार दाने के समान होते हैं, स्मॉल राउंड शेप एंड होल हर्ब इज़ वाउंडेड द प्लांट एमिट्स वाइट लेटेक्स। जो फ्रूट होता है उसमें से वाइट लेटेक्स निकलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोडा। कवरिंग ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट। जो सीड होता है वो तो या तो श्वेत वर्ण का होता है या कृष्ण वर्ण का होता है, दैट इज़ वाइट और ब्लैक, स्वीट स्निग्ध एंड इज़ बल्य गुरु फ्रिश। इसलिए ये सब गुण होने के कारण कफ दोष को बढ़ाता है और उसमें पाचामक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अहिफेन के सीड्स को हम खसखस और पोस्तदाना भी कहते हैं। इसका जो हैबिटेट है इन यूरोप, वेस्ट एशिया और इंडिया में ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड राजस्थान में मेनली पाया जाता है। अब हम आते हैं इसकी वेराइटी पे। बेस्ड ऑन पुष्पा अकॉर्डिंग टू निघंटू इट इज़ ऑफ 4 types। फर्स्ट इज श्वेत, सेकेंड इज पीत, थर्ड इज कृष्ण एंड फोर्थ वन इज चित्रा। बेस्ड ऑन कंट्री अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इट इज़ ऑफ ऑल्सो 4 types, दैट इज टर्की, यूरोपियन, पर्शियन, इंडियन। कर्म के बेसिस पे ये 4 type में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जारण जो कि श्वेत वर्ण का होता है वो बेसिकली डाइजेस्टिव होता है। सेकेंड इज मारण जो पीत वर्ण का होता है वो फेटल होता है, डेथ कॉज कर सकता है। थर्ड वन इज धारण जो धारण करता है, दैट इज ब्लैक कलर होता है, कृष्ण वर्ण, रसायना की तरह एक्ट करता है। जो सारण होता है वो चित्रक और ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल में हेल्पफुल होता है। बेस्ड ऑन पुष्प अकॉर्डिंग टू अरेबिक स्कॉलर्स इट इज़ ऑफ 3 type, खसखस सफ़ेद, खसखस मंसूर और खसखस श्याम। जो सफ़ेद होता है खसखस, उसका जो पुष्प होता है वो पीताप श्वेत होता है और जो उसका बीज होता है वो श्वेत वर्ण का होता है। खसखस मंसूर, इसके जो पुष्प होते हैं वो रक्तवर्ण का होता है और इसके बीज होते हैं कृष्ण वर्ण के। खसखस स्याह है, इसके जो पुष्प होते हैं वो कृष्ण या नीलवर्ण के होते हैं और इसका जो बीज होता है वो कृष्ण वर्ण का होता है। अफीम का जो कच्चा फल होता है उसको हम इवनिंग में कट लगा के छोड़ देते हैं और उसमें जो लेटेक्स डिपॉजिट होता है मॉर्निंग में उसको हाथों से स्क्रैच करके ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं और जो वो निर्यास होता है उसे ही हम अफीम कहते हैं। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं, प्राइमरी अल्कलॉइड्स में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटिन, पपावरिन, जेंथलिन, थिबेन। सेकेंडरी अल्कलॉइड्स में आते हैं एपोमॉर्फिन, एपोकॉडिन, थिबामिन। अदर कंपाउंड्स हैं ओपियोनिन, मेकोनोनिक एसिड्स में लैक्टिक एसिड, मेकोनिक एसिड्स और वाटर, अमोनिया, मैग्नीशियम सॉल्ट एट्सेट्रा। अब हम आते हैं इसके रसपंचक पे।
इसका रस होता है तिक्त कषाय और इसके जो गुण होते हैं बेस ऑन रस और बेस ऑन उपविश प्रॉपर्टी इट इज़ लघु रूक्ष सूक्ष्म वैवाही और विकासी। इसका वीर्य होता है उष्ण विपाक कटु प्रभाव मादक और जो दोषा इफेक्ट होता है वो है कफवात शामक और पित्त प्रकोपक। अब हम आते हैं इसके कर्म और प्रयोग पे। सिस्टमिक एक्शन पे इसका जो इफेक्ट देखा जाता है वो है शोथर और वेदना स्थापन। इसलिए हेल्पफुल होता है ये संधि शोथ फुफ्फुस आवरण शोथ में और आई और ईयर इन्फ्लेमेशन में ये हेल्पफुल होता है। रिपोजिटरीज ऑफ दिस हर्ब इज यूज इन फिशर्स हेमेरॉइड्स एंड ट्रैक्टल डिसऑर्डर्स। गुदफिकार और अर्श रोगों में इसकी जो वर्तियु बनाई जाती हैं और मलर का प्रयोग किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका इफेक्ट है रूक्ष कषाय होने के कारण ये शोषण कर्म करता है मींस डिक्रीज सलाइवेशन डिक्रीज डाइजेस्टिव फायर और स्टमिना प्रॉपर्टीज होने की वजह से जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं लाइक यूरिन ब्रेस्ट मिल्क एट्सेट्रा आर रिड्यूस्ड। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टिनल मसल्स एंड दैट कॉजेज विबंध। ड्यू टू बाद शामक प्रॉपर्टी इट इज़ वेल नोन शूल प्रशमन सो इट इज़ हेल्पफुल इन उदर शूल आमाशय शोध अतिसार और इसमें कई प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे प्रलाप शमन निद्रजनन और स्तंभन और रक्त एंड पुरुष। इट इज़ यूज इन आंतरिक ज्वर दैट कैन बी कोरिलेटेड विद द टाइफाइड एंड इनिशियल स्टेजेस ऑफ विसूचिका। सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसके दो इफेक्ट देखे जाते हैं दैट इज़ रक्त स्तंभन और हृदय शक्ति वर्धक। इसलिए इट इज़ यूज इन रक्त स्त्राव एंड हृदय विकार जन्य श्वास कष्ट एंड हृदय शूल। जिसका सातवींकरण है वो ये है कि वैवाही और विकासी। वैवाही का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में एकदम से फैल जाता है और बिना डाइजेस्ट हुए और विकासी इट कॉजेज लूजनेस ऑफ जॉइंट बाय द रिडक्शन ऑफ ओजस और इम्यूनिटी और ये बॉडी को कृश और दुर्बल बनाता है। नर्वस सिस्टम पे जिसका इफेक्ट देखा जाता है वो है ये एक मादक है और निद्राजनन है इसलिए इंसोम्निया को ट्रीट करता है और इसकी आक्षेपर प्रॉपर्टीज़ की वजह से अपस्मार आपतंत्र कंपवात न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं स्पाज्म एपिलेप्सी एट्सेट्रा में ये यूज़ होता है। स्किन ड्यू टू उष्ण गुण इट इज़ स्वेजनन दैट मीन्स स्टिमुलेट्स स्वेट ग्लैंड्स सो इट इज़ हेल्पफुल इन शीतजन्य विकार ज्वरग्न स्लीपर ज्वर। नर्वस सिस्टम पे इसका जो इफेक्ट देखा जाता है क्योंकि ये माधुर्य शमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसलिए इक्ष्वाकु में ये हेल्पफुल होता है। इक्ष्वाकु में जो यूरिन और शुगर कंटेंट काफ़ी हाई हो जाता है और वो टर्बिडिटी गेन कर लेता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो इसका इफेक्ट देखा जाता है ड्यू टू उष्ण प्रॉपर्टीज़ इट इज़ कफनाशक श्वासर और इट इज़ यूज इन वातश्लेष्मिक काश कुकुर काश फुफ्फुस आवरण शोथ प्रतिशाय और श्वास रोग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका जो इफेक्ट देखा जाता है बिकॉज ऑफ स्तंभना ऑफ शुक्र प्रॉपर्टीज इट इज़ हेल्पफुल इन शीघ्र पतन रोग इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन गर्भपात एंड प्रसरोत्तर वेदना ड्यू टू वेदना स्थापक प्रॉपर्टीज। ड्यू टू रूक्ष कषाय वैवाही एंड विकासी प्रॉपर्टीज इट डिक्रीज धातु दैट इज धातु क्षीणता। इसके जो यूजफुल पार्ट्स दैट इज़ प्रयोज्यांग कौन से हैं वो है इसके पल्ले की निर्यास दैट इज़ अफीम। इसकी जो मात्रा है वो है 30 to 125 mg और अफीम को हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए और अगर हम इसका अति ले लेते हैं तो इसके कुछ विष के लक्षण आते हैं जैसे तंद्रा ड्राउजीनेस संन्यास कोमा लाइक कंडीशन श्वास अवरोध डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग निद्रा अगेन ड्राउजीनेस जैसी ही फीलिंग आती है नींद आने लग जाती है अवसाद मेंटल ट्रॉमा डेथ ये मृत्यु भी कर सकता है। इसलिए हमें इसकी एक प्रॉपर डोज लेनी चाहिए वो भी डॉक्टर्स की एडवाइस से। आइफिन का जो शोधन है वो बहुत ज़रूरी है। आइफिन को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और फिर उसको छाना जाता है दैट इज़ फिल्टर्ड और फिर उसको हीट किया जाता है जब तक वाटर जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए और फिर हमें अदरक सोयरस की भावना देनी होती है और ये प्रोसीजर हमें 21 टाइम्स करना होता है देन इट इज़ प्रिजर्व्ड। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था अति विषाक्त के लक्षण। अब उसकी क्या रेमेडी है उसके विष की चिकित्सा क्या है वो ये है कि हमें या तो रीटा वाटर और सरसों और राई इन हॉट वाटर से उसका वमन करवाना है अगर हमें शोधन करना है और या फिर हम उसको प्रति विष दे सकते हैं जैसे रीठा का पानी हिंगुल आमलकी निम एट्सेट्रा। इसके अलावा हृदय को उत्तेजित करने के लिए कॉफ़ी का गर्म क्वाथ पिला सकते हैं और कुछ हृदय योग जहर मोरा आदि हृदय औषध मधु के साथ देनी चाहिए। रोगी को हम सोने भी ना दें तब तक विष ना उतर जाए।
अब हम आते हैं आईफेन के इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस। आईफेन आसव, महावात, राजरस, दुग्धवटी, कर्पूर रस, निद्रोदय वटी, आकार कर्भादि वटी। अफीम के कुछ रिसर्च चल रही है जैसे एनाल्जेसिक एक्टिविटी पे, और अफीम को हम मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लेना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट्री चीज़ें हैं, जैसे हमें इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं ले सकते, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में नहीं ले सकते, किसी को नेफ्राइटिस है या गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स है, हमें इसका प्रयोग शिशु और वृद्ध के लिए भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू। Thank you for watching. Do like, share and subscribe if you like the video. And this chapter ke ready to read notes available hai Instagram pe and iska link given hai description box mein.